हेलो गाइस, आर्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पहले से ही एक सर्कल बनाया है, जो कि मैंने इसकी स्टेप की सहायता से मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। और फिर स्केल से यहाँ पे मैंने प्लस का निशान बना लिया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मतलब कोई भी चीज़ एकदम क्लियरिटी लगे। तो अब उसके बाद से हम सब देखिए, मैंने एक ये जर्मन पेंसिल ली हुई है, जर्मन 8V। आपको दिख रहा होगा कि ये जर्मन 8V पेंसिल है, ठीक है। इससे हम सब देखिए पहले सेटिंग्स में, तो सेटिंग में सबसे पहले हम सब लाइट और डार्क करते हैं। जैसे देखिए मैंने डार्क कर लिया, ठीक है। अब हम सब इसको देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर छोड़ते जाते हैं। हेयर में यही चीज़ होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पर छोड़ते जाते हैं। के वहाँ से आंसर लाइट 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 डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, और इसमें जितनी कम गैपिंग होगी उतना ही ये अच्छा रिस्पॉन्स करता है। इसमें गैपिंग जो होती है वो एकदम गैपिंग को हमको कम रखना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने एक ऐसे कर्ल की सहायता से देखिए, ठीक है, ये जो हेयर का पार्ट होता है, ठीक है, ये चीज ये जो हेयर का होता है, हेयर में फेस के हिसाब से जो हेयर हम सब बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम सब इसी तरह का यूज करते हैं। ओके, तो अब इसी पे हम सब चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो पार्ट है इस पर हम सबको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और ऐसे इसको बस इसको ऊपर की साइड में जो होता है वो छोड़ना होता है। किस साइड में छोड़ना होता है? ऊपर की साइड में। ठीक है, और फिर ऊपर से भी हम सब नीचे की साइड में ले आएंगे। और ये ध्यान रखिएगा आपको कॉपी को घुमाना नहीं है, ठीक है। इसकी जो नोक होती है इसको हमेशा हम सबको शॉर्प करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंटेड रहता है उसके बाद ही ये कुछ अच्छा लुक देता है, ठीक है। जैसे पॉइंटेड कर लिया हमने, पॉइंटेड करने के बाद से एक बार और इसी पे
अब हम सब इसके जो यहाँ पे चार पार्ट थे इसको हम सब यहाँ पे भी ऐसे लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम सब ये जो साइड का सर्कल है इस पर भी हम सब दोनों साइड से देखिए कॉपी हम तो घुमानी नहीं है यहाँ पे, मतलब इस लेफ्ट से राइट साइड में ले जाने के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा टफ पड़ता है, पर उसके बावजूद मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इजीली अच्छे तरीके से ये चीज़ बता सकूँ। यहाँ पे ये सब बनाने में थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि हम सब कोई कॉपी को मतलब जैसे राउंड या घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी हैंड को ही आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तथा आपको पेंसिल उठानी है और ऐसे झटके की तरफ पे आगे की साइड में बढ़ाना है, और ये दोनों साइड से करना है। तो जितनी लाइट वो छोड़ना चाहेगा वो खुद ही आप छूट जाएगा, ठीक है। आपको उसमें स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने ऐसे कोशिश की आपको हेयर की नॉर्मल मतलब थ्रेडिंग कैसे करते हैं, ये नॉर्मल स्टेप था। अब मैं आपको आगे मतलब एक हेयर का लुक बना के इसको और थ्रेडिंग कर देता हूँ।